कोंडागांव में बिना लाइसेंस के विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादन बनाने वाले एक फैक्ट्री को जब्त कर लिया गया। सिस्टम द्वारा संदिग्ध कॉस्मेटिक उत्पादनों के कुल 9 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। 23.70 लाख का नकली कॉस्मेटिक सामान जब्त किया गया है। दूसरे निर्माताओं के नाम पर सौंदर्य प्रसाधन बनाकर उनके नाम और पते का लेबल चिपकाकर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर बिक्री का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर HG कौशिक ने कहा कि राज्य के नागरिकों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्व आवश्यक दवाएँ और कॉस्मेटिक सामान मिले। इसके लिए स्टेट मॉनिटरिंग सेल लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिसके तहत पुणागाम में बिना लाइसेंस के विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पादन बनाने वाली एक फैक्ट्री को सिस्टम द्वारा जब्त कर लिया गया है। सूरत में उत्पादन के कुल 9 नमूने सत्यापन के लिए भेजे गए हैं और 23.70 लाख रुपए की नकली कॉस्मेटिक जब्त किया गया है। संवाददाता कैलाश कुमावत, BHB न्यूज़, सूरत।